संकेत करते हैं सावधान, सैद्धांतिक धरातल पर भारत अत्यंत परतंत्र देश है। सुनिए, सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ की शिक्षा पद्धति सनातन सिद्धांत के विरूप है, रक्षा की प्रणाली सनातन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी सनातन परंपरा के ठीक विपरीत क्रियान्वित हैं, उद्योग और सेवा के प्रकल्प भी सनातन सिद्धांत के विपरीत हैं। मैं शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, संविधान का समादर करते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन ढंग के किचोर से यह तथ्य स्थापित करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की आधारशिला भी सनातन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको यह विचार करना है, यह वीर भूमि है, भक्तों की भूमि है, कर्मयोगियों की भूमि है, अष्टांग योगियों की भूमि है, तत्वज्ञ मनीषियों की भूमि है, राजस्थान है राजस्थान। बबूल का पेड़ बो करके आम का, अमरूद का, अंगूर का फल कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब शिक्षा प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, तो फिर भव्य भारत की संरचना किस प्रकार हो सकती है, यह एक विचार करने की आवश्यकता है सज्जनों। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यासपीठ से संबद्ध मान्य संतों को अपने दायित्व के निर्वाह का परिज्ञान होना और तदर्थ कटिबद्ध होना आवश्यक है। हमने एक संकेत किया, अब सुनिए। अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, मुगलों ने देश पर शासन किया, अपने शासन काल में परतंत्र भारत में वे उतने सफल नहीं हुए जितने कि 70 वर्षों की अवधि में स्वतंत्र भारत में सफल हुए हैं। सबसे बड़ा आक्रमण आजकल क्या है, आप मनीषियों का इधर ध्यान गया, बीज के विलोप पर ये उद्यत हैं, बीज के विलोप का षड्यंत्र भारत में क्रियान्वित है। हमारी भूमि, भारत की भूमि जिन बीजों को सह नहीं सकती, उन विदेशी बीजों को लाकर भारत को बंजर रेगिस्तान बनाने का प्रकल्प शासन तंत्र का क्रियान्वित है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितने केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र हमको सुलभ हुए, उनमें देश को देश के रूप में, भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने का कोई मनोभाव नहीं था। हम एक संकेत करना उचित समझते हैं सज्जनों, जर्सी सांड के माध्यम से गोवंश के बीज को भी विकृत किया जा रहा है और हजारों की संख्या में गाजर मूली की तरह गोवंश को नित्य काटने का प्रकल्प विकास के नाम पर किया जा रहा है। यह उन्माद की पराकाष्ठा है, देशद्रोह की पराकाष्ठा। साथ ही साथ अब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के बीज का विलोप करने के लिए विवाह की नवीन प्रथा प्रक्रिया डाली जा रही है, ताकि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रोचित तेज ओज से संपन्न, संस्कार से संपन्न ही न हो सके, इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं संविधान के विशेषज्ञों से, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा, मैं केवल संविधान के विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में भारत में जिन हिंदुओं को नागरिकता प्राप्त है वो एक नंबर के नागरिक हैं? समझ गए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में क्या हिंदू एक नंबर के नागरिक अब तक हो सके हैं? अगर नहीं, तो किस आधार पर हम भारत को स्वतंत्र देश कह सकते हैं? और सुनिए सज्जन, महाराणा प्रताप जी
यहाँ वाले तो जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, माननीय श्री महाराणा प्रताप जी शिवाजी झांसी की रानी वीरांगना ब्राह्मण घर की थी, और राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, मंगल पांडे जी आदि मनीषियों ने, देशभक्तों ने धन मान प्राण परजन को हथेली पर लेकर भव्य भारत के स्वरूप को अपने मस्तिष्क में संजोया था। उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था, उसे उतारने की आवश्यकता है या नहीं, भाषा समझ रही या नहीं। मंगल पांडे जी जैसे मनीषियों ने, राजगुरु सुखदेव जी जैसे मनीषियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे मनीषियों ने, भगत सिंह जैसे मनीषियों ने, वीर प्रवर महाराणा प्रताप जैसे मनीषियों ने, शिवाजी जैसे क्रांतिकारी भक्तों ने, झांसी की रानी ने जो भव्य स्वतंत्र भारत का मन में स्वरूप चित्रित किया था, उसे उतारने का प्रकल्प क्या स्वतंत्र भारत में 1% भी क्रियान्वित है। दूसरी बात, आंख खोल देने की स्थिति है। 1846 तक, सन 1846 तक, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, जिसका नाम काबुल गांधार भी था, गांधारी जहाँ की थी, उसके राजाधिराज कौन थे, पंजाब के रणजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से लेकर काबुल तक का शासन किनके हाथ में था, रणजीत सिंह के हाथ में। आगरा में ताजमहल है या नहीं, इतिहास के साथ अन्याय, उसका नाम है प्राचीन ग्रंथों में भारत के तीर्थयात्रियों ने अपनी कलम से लिखा है तेजो महल है, वो शिवालय था, समझ गए, ताजमहल का पुराना नाम तेजो महल है, शिवालय था वह, उसे भी दूषित किया गया, विकृत किया गया, और स्वतंत्र भारत के किसी भी राजनेता में वो दमखम नहीं कि सत्य को सत्य के रूप में उद्भाषित करने का साहस कर सके। सन 1846 के बाद अंग्रेजों ने छल व डंके की चोट से काबुल को, गांधार को या अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को भारत से पृथक किया, उसके बाद उन्होंने वर्मा को भारत से पृथक किया, और 14 अगस्त 1947 को उन्होंने दो पाकिस्तान को जन्म दिया, एक का नाम आज पाकिस्तान है, दूसरे का नाम आज बांग्लादेश है। इतना विभाजन 1846 के बाद से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने भारत का किया, और देश के मान्य माने जाने वाले प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया। आपको मालूम है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां देश की सीमा छल व डंके की चोट से पड़ोसी राष्ट्र की ओर न पहुंचा दी जाती हो या न पहुंचती हो। ऐसी स्थिति में विखंडन विखंडन विखंडन, और विकास को वेदविहीन विज्ञान के द्वारा उस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है जिससे विकास के नाम पर गंगा गंगा न रहे, सरयू सरयू न रहे, नर्मदा नर्मदा न रहे, महानदी महानदी न रहे, गाय गाय न रहे, हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं सबको विकास के नाम पर विकृत दूषित और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है सज्जनों। तो मैं क्या संकेत कर रहा था, पहला बिंदु क्या है, मंगल पांडे आदि मनीषियों ने धन मान प्राण परजन को हथेली पर लेकर स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप मन में संयोजा था उसे उतारने की आवश्यकता है, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देश का विभाजन एक दिन पहले हुआ, देश को स्वतंत्रता एक दिन बाद में मिली, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बनने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। मानवाधिकार की सीमा में मैं डंके की चोट से कहता हूँ, इन दोनों बिंदुओं में जिस राजनेता और राजनीतिक दल को आस्था नहीं है
भारत में वह चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है। फिर से सुनिए दो बिंदु। महाराणा प्रताप इत्यादि मनीषियों ने, देशभक्तों ने, बलिदानी सपूतों ने भारत का जो भव्य स्वरूप मन में संजोया था उसे क्रियान्वित करने में जिसकी आस्था नहीं है वो कोई राजनेता या राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं हो सकता। दूसरी बात, विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था उस स्वरूप में जिसकी आस्था नहीं है वो भी भारत में राजनेता हो या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है। सज्जनों, गोवंश की बात कहते हैं, समय ढाई बज गया, सुन लीजिए। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक दो बार आया है, काशी खंड के दूसरे अध्याय में, माहेश्वर कुमारिका खंड के भी दूसरे अध्याय में, गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अनुधैर्य दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। यज्ञों के संपादक जो होते हैं वही पृथ्वी के धारक होते हैं, यह विज्ञान है। यज्ञ इन सातों के बिना नहीं हो सकते। शास्त्र सम्मत यज्ञ के लिए गोवंश चाहिए या नहीं, पंचगव्य इत्यादि, तो दक्षिणा के लिए गाय चाहिए या नहीं, विप्रेश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण चाहिए या नहीं, वेद चाहिए या नहीं, वेद के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे होगी। कस्मै देवाय हविषा विधेव, यज्ञ का स्वरूप क्या है, देवता और द्रव्य, लेकिन निर्धारण किससे होगा, वेदों के द्वारा। 1180 शाखाएं वेद की थी महाराज, मुक्तिकोपनिषद सूत संहिता इत्यादि का अध्ययन कीजिए, और व्याकरण पर जो महाभाष्य है उसके अनुसार 1131 शाखाएं थी वेद की, आज 8-9 शाखाएं। मनु महाराज ने डंके की चोट से वेद का महात्म्य उद्घोषित करते हुए कहा, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, जो कुछ काल गर्भित है सबका विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेदों का बीज है प्रणव, जिसको ओंकार कहते हैं। मांडुक उपनिषद का ओंकार के संबंध में यह उद्घोष है, यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार एव, काल गर्भित ही नहीं कालातीत जितने तत्व हैं उनका अधिगम वेदों के द्वारा होता है। सारा विश्व जानता है, वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, नीतिशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, वास्तु विज्ञान इत्यादि प्रदान किया, और वैदिक विधा से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के जितने प्रकल्प होते हैं वे सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी हमारी महत्ता क्या है यह समझने की आवश्यकता है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर वेद सम्मत विज्ञान सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। सज्जनों, हमारे पास सबसे बड़ा बल क्या है, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट ही नहीं बल्कि एकमात्र उत्कृष्ट है। मैं प्राय सार्वजनिक सभा में कहा करता हूं, भूदेवी कौन थी, गाय के रूप में प्रकट थी या नहीं, गाय के रूप में कौन थी प्रकट, भूदेवी, इसलिए गाय की हत्या पृथ्वी की हत्या है और पृथ्वी की हत्या समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। इतना ही नहीं, विज्ञान की दृष्टि से आप विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत का 4th स्कंध आप विस्तार पूर्वक कथा कहेंगे ही, पृथ्वी जी का इतिहास, दोग्धा के भेद से, पात्र के भेद से, वत्स के भेद से, गाय ने ही तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबको निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त अन्न दिया या नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, वैज्ञानिक धरातल पर विचार कर लीजिए, गाय तो एक ही थी ना, भूदेवी गाय के रूप में महाराजा अधिराज पृथ्वी के सम्मुख प्रस्तुत थी, दोग्धा के भेद से, पात्र के भेद से, वत्स के भेद से गाय ने कितने प्रकार का अन्न दिया जी,
चतुर्दश भूमात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त उनका जो अन्न है वो गाय से प्राप्त हुआ या नहीं। एक दो उदाहरण देते हैं, वैज्ञानिक धरातल पर आपको विचार करना हो तो कभी मिलिएगा। देवताओं का अन्न कौन है जी? अमृत। गाय से अमृत की प्राप्ति हुई या नहीं? ऋषियों का अन्न कौन है जी? वेद। गाय से वेद की प्राप्ति हुई या नहीं? गाय से वेद की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? पृथ्वी से वेद की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? इस पर हमने पर्याप्त विचार किया है। इसका मतलब क्या है? गोवंश की हत्या का अर्थ है पृथ्वी की हत्या। गोवंश की हत्या का अर्थ है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में देवता ऋषि से लेकर जितने स्थावर प्राणी हैं, ब्रह्मा जी से लेकर कुशकंटक पर्यंत, इन सब प्राणियों का जो निसर्ग सिद्ध आहार है उसको नष्ट कर देना, और आहार के बिना तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के अस्तित्व को विलुप्त करने का षड्यंत्र एक गोहत्यारा करता है, गोहत्यारा। ऐसी स्थिति में गोवंश की हत्या समग्र स्थावर जंगम प्राणियों की हत्या है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सभ्यता के नाम पर सतियों का विलोप किया जा रहा है छल बल डंक की चोर से। सत्यवादियों का विलोप किया जा रहा है, दानशीलों का विलोप किया जा रहा है, और यहां तक कि सती भी सत्यवाद भी अलुब्ध ही निर्लोभ व्यक्तियों का विलोप किया जा रहा है। और मैं संकेत कर दूं, धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंत कपिलश्च एव सप्तैते धरणी धरा। व्याख्या का समय नहीं है। ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय और काल, ये पृथ्वी के धारक हैं। क्या सचमुच में मोक्ष का मार्ग रह गया आजकल? धर्म नामक पुरुषार्थ का विलोप हो गया या नहीं? और अर्थ के पक्षधर जितने हैं वो सुन लें, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम, मद्य मदिरा इत्यादि नशीली वस्तुएं, द्यूत सट्टा जुआ इत्यादि लाटरी आदि, इन 15 अनर्थों, ये सब 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ पुरुषार्थ होता है, नहीं तो अर्थ के गर्व से अनर्थ निकल आता है। इसलिए विश्व स्तर पर अर्थ पर विचार किया जाए हम लोगों के पास आकर, हम डंके की चोर से गुरुओं के प्रभाव से सिद्ध कर देंगे कि अर्थ नामक पुरुषार्थ भी विश्व में विलुप्त हो गया है। केवल मैं संकेत करता हूँ, सावधान, महाभारत इत्यादि का अध्ययन कीजिए, दरिद्रता के जितने स्रोत हैं श्री नरसिंह राव जी जहाँ कहीं हों ऊपर नीचे सुन लें, मनमोहन सिंह जी जहाँ कहीं भी हों मर्त्यलोक में वो सुन लें, मोदी जी जहाँ कहीं भी हों वो सुन लें, ओबामा भी सुन लें, बुश जी सुन लें, और ट्रंप जी भी सुन लें, दरिद्रता के जितने स्रोत बताए गए वैदिक वाङ्मय में, आज पूरा विश्व उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। इसलिए बेन के शासन काल में जैसे दाने दाने के लिए व्यक्ति तरस रहे थे, पूरे विश्व का आर्थिक विकास नहीं मुझे दिव्य दृष्टि के बल पर दिखाई पड़ता है, पूरा विश्व दाने दाने के लिए मोहताज होने की स्थिति में है। इसलिए गर्वीले व्यक्तियों, अपने आप को अर्थशास्त्र के विशारद मानने वालों, सचमुच में अगर अर्थ को समझना हो तो हम लोगों के पास आकर कुछ सीखने का प्रयास करो। हमने संकेत किया सज्जनों, अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? वेद विहीन विज्ञान के द्वारा विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण पूरे विश्व में विसंगति है, और छल बल डंके की चोट से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को लुप्त करने का षड्यंत्र है। ये कहावत है ब्रज में, विशेषकर वृंदावन में, न रहे बांस न बने बांसुरी। आगे हमने जोर दिया, नर बने बांसुरी न बजे बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। प्रश्न क्या उठता है, समझ गए? प्रश्न उठता है सज्जनों, अब विकास क्या करेंगे? आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक वैसम्मत जो ऊर्जा के चार स्रोत हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन, और विकृत हो रहे हैं या नहीं, दूषित हो रहे हैं, क्षुब्ध हो या नहीं है? महासंक्रमण काल है, इसका मतलब सन्निपात की प्राप्ति हो रही है। इसलिए पूरे विश्व को मैं इस पवित्र मन से एक संदेश देना चाहता हूँ, संभालिए वेद सम्मत विज्ञान को
अपनाइए और वेद सम्मत विज्ञान के द्वारा भव्य भारत तथा भव्य विश्व की संरचना का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हिंदुओं, बड़ी एक विकट कहानी है, राजनेताओं के आप मारे हुए हैं। दो चार वाक्य और कहता हूँ, आपको कोई सुना दे क्या विकास, आप लट्टू हो जाते। विकास के नाम पर कोई गोवंश को नष्ट कर दे, आपको बेचैनी नहीं। विकास के नाम पर गंगा इत्यादि को विलुप्त कर दे, विकास के नाम पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के बीज को विलुप्त कर दे, कोई चिंता नहीं। इन राजनेताओं ने विषाक्त वातावरण बनाने के लिए एक बहुत सा सुनहरा शब्द बार दिखाया है, विकास। विकास के नाम पर हिंदू किसी भी मानव बिंदु को नष्ट करने के लिए उद्यत रहता है। इसलिए वैदिक वेद सम्मत विज्ञान के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अब मैं संतों की ओर संकेत में बोल रहा हूँ, सुनो जी। आनंद गिरी जी, गीता के 12वें अध्याय का एक इतना सा वचन याद रखिए, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अधकचरे योजना को, अधकचरे ज्ञान को क्रियान्वित करने की अपेक्षा सांगोपांग पूर्ण विज्ञान अर्जित कीजिए। क्रियान्वयन में त्वरा का परिचय मत दीजिए। हम जो करने जा रहे हैं वो सचमुच में दोष विहीन है या नहीं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। मैं संखंडन नहीं कर रहा, बहुत आत्मीयता पूर्वक बोल रहा हूँ। मान लीजिए कुंभ तो हो नहीं है, कुंभ होगा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम घोषणा कर देते हैं कि सरकार ने गोवंश की हत्या नहीं बंद की, तो हम कुंभ बंद कर देंगे, सभी एक होंगे और यह अभियान हमारा सफल होगा। ऐसी संगीन चीज है ना, आपस में बैठकर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी क्या? समझ गए? इसमें तो हमको दिख रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार की ओर से हो जाएगा। आप भोले वाले हैं, सुनो, कम से कम शांति पर, महाभारत का अनुशासन पर हमने 50 बार तो जीवन में पढ़ा होगा। गुरु ग्रंथ और गोविंद से दूरी मत रखिए, पछार खा जाएंगे। गुरु ग्रंथ और गोविंद से दूरी मत रखिए, पछार खा जाएंगे। हम सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन आपने भरी सभा में कहा, बहुत अच्छा भाव का मैं समर्थन करता हूँ, सरकार अभी से इस अभियान को विफल करने के लिए जागरूक हो जाएगी। अरे संतों के पास केवल एक चीज है, भोलापन, साम नीति, वो भी अधूरी अधकिचड़ी। रासायनिक राजनीति, जितने राजतंत्र हैं, शासन तंत्र हैं, राजनेता होते हैं, साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल माया, उनके पास 7 नीतियां होती हैं। संतों के पास, क्योंकि 1966 से लेकर गोरक्षा अभियान हमने देखा ही नहीं है, 52 दिनों तक हम तिहाड़ जेल में बंद रहे, समझ गए? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज को तिहाड़ जेल में मारने के लिए, मरवाने के लिए खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले छोड़ दिया गया था। उनकी आंख में लोहे के सलाके चुभ होए गए, उसी वेदना में उन्होंने शरीर छोड़ा। हमारे पूर्वाचार्य ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए पूरी मानसन किया। हमारे मठ का नाम ही गोवर्धन मठ है, वहाँ गोवर्धन नाथ आदि शंकराचार्य के चिन्मय कार्यक्रमों से प्रतिष्ठित हैं। लेकिन हम एक संकेत करना चाहते हैं, चाहे भारत में गोरक्षा का अभियान चला हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि का अभियान चला हो, एक में हम पूरे सफल हुए, उसमें हम बीच में कूद पड़े, श्री राम सेतु का अभियान, जितने अभियान चले हैं सब मेरी आंखों के सामने, कहीं बीच में कहीं किनारे, समझ गए? ऐसा नहीं कहीं दूर। इसलिए मैं संकेत करता हूँ, भविष्य में संतों से अनुरोध करता हूँ, कोई भी घोषणा आप करें बहुत सोच समझ करके करें, छानबीन करके करें, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लें, अवसर आने पर उसकी घोषणा करें। अगर घोषणा न करने की आवश्यकता हो और कार्य सफल होने की संभावना हो तो बिना घोषणा किए ही कार्य को सफल बना दें, नहीं तो इस प्रकार की घोषणा से हमारी भावुकता सिद्ध होती है। एक मैं बात कह दूं, हमारे रामदेव बाबा जी लाल लाडले प्यारे आएंगे शायद, उनको विश्व हिंदू परिषद वालों ने उठाया
कहाँ पहुंच गए? मनमोहन सिंह जी के पास। किसको लेकर मालूम है? गंगा जी को लेकर। कांग्रेस ने क्या दाव खेल लिया मालूम है? गंगा जी को तत्काल मनमोहन सिंह जी के माध्यम से राष्ट्रीय नदी घोषित करवा दी। अब गंगा के भक्तों के मुंह बंद हो गए या नहीं? इधर ध्यान गया आपका? राष्ट्रीय नदी कांग्रेस ने घोषणा करवा दी ताकि भाजपा विष्णु परिषद वाले ये सब हाथ न धो सके। क्या गंगा के नाम पर ये वोट न मांग सके? और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने के बाद गंगा का स्वरूप क्या कर दिया कांग्रेस ने? ऐसे ही कोई सरकार अगर गाय को राष्ट्रीय, राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र माता, या बहुत घटिया शब्द कहें तो राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दे, तो भी समझिए कि गोहत्या का मार्ग रोकना उसके लिए कठिन। इसलिए भावुकता का परिचय न दे। अंत में एक संकेत करता हूं, नीति शास्त्र के अनुसार नियत शुद्ध हो। आपको मालूम है पोप नकली घूम रहे हैं कहीं? नहीं ना, दलाई लामा नकली घूम रहे कहीं? उस देश का क्या होगा? अखाड़ा परिषद तो बहुत दिनों से है, 25 वर्ष तो मुझे इस पद पर हो गए, कई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सामने आए, बहुत अच्छी बात है। अराजक तत्व जेल के सरगन, जेल के सिकंजे बंद होने योग्य, फांसी के तख्ते पर घूमने चूमने योग्य राष्ट्रद्रोही भारत में अखाड़ा परिषद की आंखों के सामने शंकराचार्य बन के देश विदेश में घूम रहे हैं। क्या कर लिया अखाड़ा परिषद ने? समझ गए ना? उज्जैन में वो थे या नहीं ऐसे अराजक तत्व? नासिक में थे या नहीं? क्या कर लिया? मैं तीन बात, तीन बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भगवान शंकराचार्य के बाद के चार शंकराचार्यों ने जब देखा कि खानदानी क्षत्रिय दिशाहीन हो गए हैं, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने नागा सैनिक को उद्भाषित किया। मैं बड़े लार प्यार से अपनत से पूछना चाहता हूं, वो नागा सैनिक अपने लक्ष्य पर अड़िग हैं? करोड़ों किलोमीटर दूर भटक गए, बहुत दूर चले गए, अब भटकने का ज्ञान होने पर भी सही मार्ग पर आना नहीं चाहते? एक हमारे सैनिक कौन? खानदानी क्षत्रिय तो दिशाहीन हो गए, वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में मान चार शंकराचार्यों ने अखाड़ा परिषद नागा सैनिक को उद्भाषित किया। आज नागा सैनिक हैं लक्ष्य से सुदूर। 300 वर्ष पहले मान्य गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ बनाया, और लाखों की संख्या में विश्व में सिख हैं, सैनिक हैं, लेकिन सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए नहीं है। दूसरे सैनिक भी हमारे साथ नहीं। तीसरे सैनिक हेडगेवार जी ने आरएसएस को ख्यापित किया, एक दल का प्रचारक बन के आरएसएस रह गया। तीनों सैनिक रहने पर भी हमारे किस काम के? सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए तीनों सैनिकों में किस सैनिक का उपयोग और विनियोग हो रहा है? मैं क्रांतिकारी दृष्टि से बोलता हूं। और अंत में सज्जनों, दो चाहिए, एक स्वस्थ मार्गदर्शन, दूसरा सेना सैनिक। नीचे से लीजिए, समर्थ रामदास तो शिवाजी, दोनों चाहिए या नहीं? व्यासपीठ तो शासन तंत्र, आगे लीजिए चंद्रगुप्त, उधर चाणक्य तो चंद्रगुप्त, आगे कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य तो सुधन्वा जी, और आगे चलिए उधर धौम जी या व्यास जी तो युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, और आगे चलिए वशिष्ठ जी तो राम जी, और आगे चलिए भृगु जी तो पृथ्वी जी, और आगे चलिए नारद जी तो ध्रुव जी, दूसरा कहाँ है? हम आप जो हैं वो तो समर्थ रामदास जी से लेकर नारद जी की भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं ना, दूसरे की कमी दूर कीजिए ना। हम अहिंसा के पक्षधर हैं, लेकिन बौद्धों की झूठी अहिंसा ने देश को गर्त में डाल दिया, गांधी जी की झूठी अहिंसा ने भारत को गर्त में डाल दिया। हम छात्र सेना, छात्र संघ के समय छात्र बल के पक्षधर हैं। अरे राजनीति का अर्थ होता है छात्र धर्म। राजनीति और राज धर्म पर्यायवाचक हैं या नहीं? उसका एक नाम होता है दंड नीति, उसका एक नाम होता है अर्थ नीति। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए, ये भूदंड हैं या नहीं? इनसे हम हवन भी करते हैं, लिखते भी हैं, गणानंतवा ऐसा घन पाठ आदि भी, वेद का उच्चारण भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, तैरने में भी इसका उपयोग होता है, चलने में भी उपयोग होता है। ऐसे बिना हाथ के चलने वाले की स्थिति क्या होती है? हर व्यक्ति जानता है
इसके द्वारा लेखन कार्य का संपादन हो रहा हो या यज्ञ का संपादन हो रहा है या भोजन की निष्पत्ति हो रही हो, ये सेना है। सेना हर व्यक्ति को मालूम है या नहीं? ज्यादा उधर किया तो ये चांटे का रूप धारण कर सकता है, और ज्यादा किया तो मुष्टिका का रूप धारण कर सकता है, और कहीं अथलाए तो तीर धनुष को धारण कर सकता है, और कहीं मचल गए तो गन को धारण कर सकता है, रिवाल्वर को धारण कर सकता है। ये अपने आप में छात्र धर्म है या नहीं? छत्री है या नहीं? गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है, बुद्धिपूर्वक अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन मच्छर काटने आ जाए तो छात्र धर्म का निर्वाह करने के लिए भुजदंड अपने आप उठता है या नहीं? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भुजदंड अपने आप पहुंच जाता है। मच्छर चपेट में आ जाए तो उसका कचूमर निकल जाता है, भाग जाए तो कम से कम इसके द्वारा खुजला लेते हैं। छात्र धर्म, छात्र धर्म चाहिए राजस्थानियों, महाराणा प्रताप का आदर्श चाहिए। छात्र धर्म का विलोप करके गांधी जी वाली अहिंसा, जिस अहिंसा के गर्भ से खून की नदी बह गई, उस अहिंसा के द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम मानव बिंदु की रक्षा नहीं कर सकते। हमको छात्र धर्म चाहिए, छात्र धर्म चाहिए। राजधर्म का अर्थ होता है, राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म, राजधर्म का होता है छात्र धर्म, इसीलिए छत्री चाहिए। लेकिन सबकी रक्षा की भावना से हमने संकेत किया, इसलिए सज्जनों आगे बढ़िए, कथा सुनिए। राम राम, हर हर महाराज।